यहाँ से जो रे निकलता है ना, ये सरफेस को पैरेलल है, बराबर हाँ, और ये बेस भी इसको पैरेलल है, तो ये जो रिफ्लेक्टर है वो इसको परपेंडिकुलर है, तो ये रे यहाँ पे ऐसा निकलेगा, और ये इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। अगर वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है सरफेस, तो जो टारगेट वायर था अपना, पीपीटी में मैं दिखा रहा था ना, ये जो टारगेट वायर है ना यहाँ पे, उसी को इमेज भी आएगा। ये देखो, ये वर्टिकल रहेगा, ये वर्टिकल रहेगा, तो तुम्हारा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक एक ही रहेगा, तो जीरो पे दिखाएगा। तो जीरो रीडिंग मतलब ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टर, यानी अपना सरफेस एकदम बराबर है। ओके, थोड़ा भी डिपार्टर हो गया तो क्या हो जाएगा, सरफेस थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टर भी टिल्ट हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं हा? जैसे अगर अगर सरफेस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, माइक्रोन लेवल में, आंख से तो दिखेगा ही नहीं, माइक्रोन लेवल में थोड़ा सा ऊपर जा रहा है,